एक दिन एक सियार अपनी पत्नी के साथ भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते वे दोनों जंगल से बाहर हरे भरे मैदान में आ गए, जहां बकरियों का एक छोटा झुंड पेड़ों की पत्तियां खाने में व्यस्त था। प्रिय, हाँ? तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ और दोपहर के खाने के लिए कुछ बकरियों का प्रबंध करता हूँ। अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दबाजी मत करो। यदि अभी जाओगे तो सभी बकरियाँ सचेत हो जाएंगी। हम तब तक प्रतीक्षा करें जब तक ये तितर बितर ना हो जाएं। अरे तब हम पीछे से दबे पांव जाएंगे और किसी एक अकेली बकरी पर हमला कर देंगे। इस तरह हमारे बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम रोज की एक बकरी खाएंगे। और हमें अपने आने वाले दिनों के लिए भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सियार अपनी पत्नी की इस चालाकी भरी योजना से सहमत हो गया। कुछ देर बाद चरते चरते एक बकरी जंगल की ओर चली आई। सियार ने उस पर हमला कर दिया। उस दिन के बाद से सियार और सियारिन रोज एक बकरी मारकर खा जाते। धीरे धीरे बकरियों की संख्या कम होने लगी। अंत में केवल एक ही बकरी बची। वो जान गई थी कि उसके सगे संबंधियों को सियार और सियारिन खा गए हैं, इसलिए उसने अपनी छोटी सी गुफा से बाहर जाना बंद कर दिया और अपने आसपास उगी पत्तियों और झाड़ियों को खाकर अपना पेट भरने लगी। मुझे पता है कि झुंड की एक बकरी अभी भी जिंदा है। अरे वो अपने गुफा में ही रहती है। बहुत ही चालाक है, उसे गुफा से बाहर निकालना बहुत कठिन है। ये सुनकर सियार का दिमाग चलने लगा। उसने एक योजना बनाई और अपनी पत्नी को उस योजना के बारे में बताया। अगले दिन सियार की पत्नी बकरी के घर गई और गुफा के बाहर बैठ गए। बहन, क्या तुम घर में हो? बकरी बहन, मुझसे डरो मत, मैं तुमसे मित्रता करने आई हूँ। क्योंकि मेरा दुख सुख बांटने वाला कोई मित्र नहीं है। तुम मित्रता के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम किसी के विश्वास के लायक नहीं हो। तुम मेरे सभी सगे संबंधियों को मारकर खा गई हो। अब चली जाओ यहाँ से। जानती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। मेरे पति का व्यवहार बहुत बुरा है, उन्होंने ही तुम्हारे परिवार को मारा है, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। उनकी बुरी आदतों पर जब गुस्सा आता है तब मैं अपने गुस्से को और दुख को किसी के साथ नहीं बांट पाती। बहन, मैं चाहती हूँ कि तुमसे अपने दुखों को बांटकर अपना मन हल्का कर लिया करूँगी। बकरी बहन, तुम घबराओ मत, कम से कम मुझसे तो बात करो। मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल रही, तो कम से कम इससे बात तो कर लूँ। मेरे ख्याल से इससे बात करने में डरने वाली कोई बात नहीं है। शीघ्र ही सियार की पत्नी और बकरी आपस में बातें करने लगी। दोनों में गहरी मित्रता हो गई। वो दोनों प्रतिदिन मिलती और आपस में खूब बातें करती। लेकिन बकरी अपने घर से बाहर नहीं निकलती। एक दिन सियारिन रोती रोती बकरी के पास पहुंची। अब मैं क्या करूं? अरे कल रात मेरे पति की मृत्यु हो गई। कोई भी जानवर उनके क्रियाक्रम में मेरी सहायता नहीं कर रहा। अरे पता नहीं उन्हें बिना क्रियाक्रम के स्वर्ग में शांति मिलेगी या नहीं। मुझे बहुत दुख है सखी, पर मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती।
वो दुष्ट और हत्यारा था, मैं उसके लिए कहीं नहीं जाऊंगी। परंतु अब तो वो मर चुके हैं। अरे अब वो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए, अब वैसे भी ये मेरी मित्र है और फिर इसके कहे अनुसार सियार तो मर ही चुका है, इसलिए डरने की भी कोई बात नहीं है। और इस प्रकार बकरी सियार की पत्नी के बहकावे में आकर उसके साथ चली गई। जैसे ही वो सियार की गुफा के समीप पहुंची, उसने भूमि पर एक मृत सियार को पड़े देखा। वास्तव में सियार मरने का नाटक कर रहा था। उसने एक बार आंखें खोलकर चोर निगाहों से बकरी को देखा। बकरी ने उसे आंखें खोल के देख लिया। वो समझ गई कि उसे फंसाया जा रहा है। सियार तो जीवित है। वो फौरन वहां से भाग खड़ी हुई और अपनी गुफा में वापस आ गई। ये क्या, तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? तुमने तो सारा खेल बिगाड़ दिया। अरे उसके निकट आने पर तुम उस पर हमला करते, लेकिन तुम तो खाने से पहले उसे देखना चाहते थे। है? क्या करूं, मुझसे सब्र ना हो सका। खैर अब मैं फिर कोशिश करती हूँ, मगर अब कोई गड़बड़ी मत करना, समझे? समझ गया, समझ गया। बहन, क्या तुम अंदर हो? जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम मित्रता के योग्य नहीं हो। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारा पति मर गया है। नहीं बहन, जो भी हुआ वो कोई चमत्कार है। तुम्हारी जैसी सच्ची और महान आत्मा जैसे ही उनके निकट पहुंची, उनके मृत शरीर में जान आ गई। अब मेरे पति चाहते हैं कि तुम दोपहर का भोजन उनके साथ करो। वो अपना जीवन तुम्हारे द्वारा दोबारा पाने की खुशी में तुम्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। तुम्हारे संबंधियों को मारने का उन्हें बहुत दुख है, इसलिए तुमसे क्षमा भी मांगना चाहते हैं। मैं जरूर आऊंगी बहन, क्योंकि तुम मेरे मित्र जो हो, लेकिन तुम्हें जल्दी वापस जाना चाहिए है? क्योंकि मैं तुम्हारे यहाँ दोपहर का नहीं बल्कि रात का खाना खाने आऊंगी, और मेरे साथ मेरे 2000 पहरेदार भी खाने के लिए तुम्हारे यहाँ आएंगे। तुम्हें उनके लिए भी तो भोजन तैयार करना है ना? अरे बकरी बहन, तुम्हारे 2000 पहरेदार कौन हैं? वो सभी मेरे मित्र हैं जो शहर में रहते हैं। प्यार से सभी उन्हें कुत्ते के नाम से पुकारते हैं। कुत्ते? अरे मेरा ख्याल है तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। मैंने सुना है कि गुफाओं में चोरियां बहुत हो रही है बहन। तुम्हें अपने घर की सुरक्षा और देखभाल के लिए तो घर में ही रहना चाहिए। अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ बहन बहन। सियारिन डरी हुई अपने पति के पास पहुंची और 2000 कुत्तों के बारे में बताया तो उसके होश उड़ गए। वे दोनों जंगल की ओर भाग गए और फिर कभी नहीं लौटे। इस प्रकार चतुर बकरी ने अकेले रहते हुए भी बुद्धिमानी से अपने प्राणों की रक्षा की।